भारत के विकास पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, चीन और अमेरिका के अनुकरण करने से नहीं होगी असल तरक्की। गैंगस्टर मुजीब की 1,10,00,000 की संपत्ति जब्त, नौकर और उसकी पत्नी के नाम पर ले रखी थी जमीन। ₹25,000 परिवार हो जाएंगे बेघर, एससी के आदेश पर केरल में बफर जोन सर्वे के खिलाफ किसान सीएम ने दिया जवाब। तवांग मठ के भिक्षुओं ने 3 को दी चेतावनी, यह 1962 नहीं बल्कि 2022 है, पीएम मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे। आतंक पर मोदी सरकार के वार से बिलबिला रहे कुछ देश, अनुराग ठाकुर का पाकिस्तान पर निशाना। नगांव में 980 बीघा सरकारी जमीन पर चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों के गिराए गए अवैध कब्जे। बढ़ती ठंड के बीच सीएम योगी का निर्देश, कहा कंबल और रैन बसेरे की करें व्यवस्था, नहीं होगी पैसे की कमी। पीएम मोदी का 2 पूर्वोत्तर राज्यों में दौरा, 6,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। मध्य प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से शुरू, सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जेएमएम के पूर्व विधायक सुफल मरांडी भाजपा में शामिल, कहा पीएम मोदी लिख रहे विकास की नई गाथा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।